जब ये दुर्गा खड़ी हो गई तो कोई ताकत नहीं कि आई रजवाड़ का गठन न बलिदान दे सकते हैं आई रजवाड़ के लिए बलिदान दे सकते हाँ जी बिल्कुल और पूरी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पे लोग अभी पहुँचे हुए हैं तो उनको आप एक बार देखें कि ये अब जो भीड़ है वो क्या चाहती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और इसी भीड़ के अंदर मातृशक्ति भी पहुँची और सभी लोग हैं। आज चलिए भीड़ से ही हम पूछते हैं जो मातृशक्ति पहले मातृशक्ति से पूछ लेते हैं हम लोग। चलिए माताओं आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं तो क्या चाहिए आपको? के लिए क्या कर सकते हो? हरीजमेंट के लिए क्या कर सब कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते कि किस दिन का धरना रखा और को थोड़ी जाएंगे अपना बलिदान दे सकते हैं अपना बलिदान दे सकते हैं हरीजमेंट के लिए बलिदान दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। हम आयरों का हमारे कंधे पर नाम होना चाहिए हमारा बिल्कुल लाल दे दिए तो बलिदान हम अपना बलिदान देंगे हमारे लाल हक नहीं मिला हमारे जवान शहीद हो गए पर हमारा कोई हक नहीं मिला हमें अपने कंधे पर रेजिमेंट का नाम चाहिए लेना चाहते हैं हम कंधे पर नाम लिखाना चाहते हैं अपना हक लेना चाहते हैं अहीर रजमान अहीर रजमान। माता आप बताएं किस लिए आए? अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए आए हैं और ये दक्षिण हरियाणा की जो आवाज है यादव समाज की ये सरकार हल्के में ना ले उसको समझना पड़ेगा कि जब दक्षिण हरियाणा से और सारे देश से अगर यादव समाज खड़ा हो रहा है तो उनको अहीर रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा और जब ये दुर्गा खड़ी हो गई तो कोई ताकत नहीं कि अहीर रेजिमेंट का गठन ना हो अहीर रेजिमेंट हम लेकर रहेंगे अपने बेटों के कंधे पे नाम और सम्मान दोनों लेके रहेंगे अहीर रेजिमेंट। मातृशक्ति को आपने दुर्गा शक्ति भी कहा है अभी अभी कहा है हाँ? तो ये दुर्गा शक्ति क्या कर सकती है? ये दुर्गा शक्ति जब वीर शहीदों को पैदा कर सकती है देश की रक्षा के लिए वहाँ भेज सकती है तो अपने बेटों के सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक माँ है और माँ कुछ भी कर सकती है वो दुर्गा शक्ति भी है आदि शक्ति भी वही है और पूरा सब कुछ जो इस संसार के अंदर शक्ति वो यही है। आप बताएं जो महिलाएं यहाँ पे आज पहुंची हुई हैं अहीर रेजिमेंट को लेकर के तो इनको देखते हुए आप अगला कदम क्या लेने वाले हैं? मैंने पहले ही आपसे एक बार पहले भी कहा था इसी के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों से पहले ही कहा था कि हमें बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता है और संघर्ष करना पड़ता है। हमारा 21 दिन का अब ये बैठा पहले धरने पर 7 दिन का पुंसी का गांव में भी बैठा था ये धरना निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और हर माँ का आशीर्वाद हमें मिल रहा है हर माँ हमारे बीच में एक शेरनी का रूप धारण करके अपने जिनको जन्म दिया है उनको साथ लेके ये कहती है कि उनके नाम का उनके कंधों पर जब तक नाम नहीं टिकेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और ये हमारा खोल ब्लॉक है ये संघर्ष की कहानी है और संघर्ष के साथ साथ ही हम अपना नाम लेके रहेंगे काम लेके रहेंगे। 36 बिरादरी इनके साथ है और इनके साथ ही रहेगी। अच्छा आगे के विषय में अगले कदम के विषय में क्या मातृशक्ति ने सोचा है? नहीं जहाँ भी संघर्ष होगा साथ जाएंगे हर जगह जिस भी जगह होगा क्योंकि ये जन जन सैलाब है हर घर से उठाना है हमें क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी रह जाए इसीलिए हर महिला ने ठाना है कि हर घर से एक महिला जाएगी और जहाँ पर भी धरना होगा उसमें एक दिन सभी शहीदों के नाम से हमने पहले यहाँ पर किया था राजियागी में और वहाँ पर भी हर महिला का अपना एक नाम होगा। आपने कहा कि घर से एक महिला जाएगी और जहाँ भी धरना होगा वहाँ जाएगी लेकिन क्या महिलाओं ने ये भी सोचा कि महिलाएं घर घर भी जाएंगी? नहीं घर घर जाएंगी बिल्कुल डोर टू डोर पहले से ही कर रही हैं इसमें हमारी शीला जी का बहुत बड़ा योगदान इन्होंने टीम गठित करके और इन्होंने इस तरह से काम कर रखा है कि हर घर से आवाज आ रही है कि अब अहीर रेजिमेंट बन के रहेगी। तो अब नारा क्या है? नारा हम महिलाओं ने ठानी है अहीर रेजिमेंट बनवानी है हम महिलाओं ने ठानी है अहीर रेजिमेंट बनवानी है हम महिलाओं ने ठानी है अहीर रेजिमेंट बनवानी है हम महिलाओं ने ठानी है अहीर रेजिमेंट बनवानी है। जय यादव जय माधव जय यादव जय माधव जय श्री कृष्ण।
तो मातृशक्ति का भी जो जोश है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी तादाद में यहाँ पे मातृशक्ति पहुँची थी और सभी की सभी यहाँ पे दुर्गा का रूप धारण किए हुए हैं। और वही रूप आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी आवाज़ ने वो दुर्गा रूप बता भी दिया है कि आज ये किसी और मूड के अंदर यहाँ पे पहुँची हैं और आने वाला समय जब होगा तो वो काली का अवतार भी ले सकती हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।